अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? मैं शेफ जुलान से शफक बात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन हिट करने का थैंक यू सो मच। आज सर्दियाँ यू नो के आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो दोपहर का टाइम होता है उसमें मतलब हमें गर्मी लग रही होती है, रात के टाइम और सुबह के टाइम हमें सर्दी लगती है। तो आज विंटर का जो शिमरी मेकअप है वो मैं आपके सामने लेके आई। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो मेकअप ठीक तरीके से स्टे नहीं करेगा। सबसे पहले आप अच्छा से फेस वॉश कीजिए, और फेस वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। मैं जैसे कि ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ये वैसलीन का है और बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप लीजिए, ये डेली यूज़ में आप मस्ट किया करें, इससे स्किन जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है। आँखों के ऊपर जरूर लगाया करें, क्योंकि फिर आँखों के इर्द गिर्द रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो आँखों के इर्द भी जरूर लगाया करें। और इसके बाद आप इसको 1 से 2 मिनट आप इसको स्टे दीजिए, और स्ट्रे करने के बाद आप कोई सा भी टोनर जो होता है, जैसे कि मेरे पास ये पिया का टोनर है जो कि गोल्ड फिश टोनर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें लेवेंडर और टी ट्री और काफ़ी कुछ है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। आप इस तरीके से इसको अपने फेस पे स्प्रे कीजिए, और स्प्रे करने के बाद आप इसको टैप कर लीजिए। टोनर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टोनर नहीं है आपके पास तो आप रोज़ वाटर भी स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। ये फेस ग्लो लाता है आपके स्किन के ऊपर। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि फिक्सर मैं लगाऊंगी। 2 से 3 मिनट आप इसको स्टे कीजिए, और उसके बाद फिक्सर जो है मेरा स्टेरिया का फिक्सर है, बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, वो भी आप स्प्रे कीजिए। ये बिफ़ोर भी कर सकते हैं और आफ्टर भी कर सकते हैं। ये आपके मेकअप को स्टे करेगा, 24 आवर्स तक रखेगा, 8 आवर्स तक रखेगा, और मेकअप आपका कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद आप वेट कीजिए। वेट करने के बाद आप 2 से 3 मिनट आप इसको स्टे कीजिए, और उसके बाद फिक्सर जो है मेरा स्टेरिया का फिक्सर है, बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, वो भी आप स्प्रे कीजिए। ये बिफ़ोर भी कर सकते हैं और आफ्टर भी कर सकते हैं। ये आपके मेकअप को स्टे करेगा, 24 आवर्स तक रखेगा, 8 आवर्स तक रखेगा, और मेकअप आपका कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद आप वेट कीजिए। वेट करने के बाद आप फाउंडेशन मैं जो ले रही हूँ इस वक्त, ये सिल्क फाउंडेशन MM का लूँगी, इसको आप लीजिए।
इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड जो आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन नुसरत निसवा की जो कवरेज है हलाल है। एक तो इसका प्रोडक्ट जो हलाल है बहुत अच्छी कवरेज देता है, बहुत अपनी गर्दन को मत भूले कभी भी। ऐसा यही होता है कि आपको एप्लीकेशन का तरीका नहीं आता, हमेशा टैप कीजिए, कभी भी इस तरीके से मत कीजिए, वो उतरना शुरू हो जाएगा तो आप टैप कीजिए और टाइम दीजिए। जब तक आप टाइम नहीं देंगे मेकअप आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छी कवरेज है। अब इसके बाद मैं आईब्रो को शेप दूंगी, और आईब्रो को शेप देने के लिए कोई सा भी छोटा सा ब्रश ले लीजिए, और मैं एक्वा का ये ब्राउन और ब्लैक मिक्स करूंगी और उससे करूंगी अपने आईब्रो को। हमसे याद रखिए ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स करके, पेंसिल भी अगर यूज कर रहे हो तो ब्राउन एंड ब्लैक यूज कीजिए। इस किस्म के ब्रश से आप इसको शेप दे दीजिए आईब्रो को। इसके बाद मैं ब्लश ऑन लूँगी। ब्लश ऑन जो है मेरे क्रिस्टीन का है, और क्रिस्टीन का ब्लश ऑन मुझे बहुत पसंद है। शॉन लगाने के बाद मस्कारा ले लीजिए आप। काशी का ये आईब्रो भी है, ये भी आप अपने लगा सकते हैं आईब्रो पे, इसकी पिगमेंटेशन भी और इससे आईब्रो बहुत अच्छी रहती है। ये वाटरप्रूफ है, इससे आप यूज़ कीजिए। थोड़ा सा कैंसिलर भी ब्रो का आप लगा सकते हैं, अगर आइज के नीचे आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं या कहीं पैचेस पड़े हुए हैं तो वो लगा लीजिए। मुझे अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लगा रही, ये मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया का टिंट भी लगा सकते हैं इधर चीक्स बॉन्स पे, आइस पे या लिप्स पे, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। और आप अगर मेकअप कर रहे हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप मेकअप करने बैठें। तो मस्कारा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई लोकल है, बहुत अच्छा है, इसकी मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। मस्कारा लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि बाजू का कर्ल्स जो होती है मस्कारा से हटाने लगाती, तो हमेशा याद रखें मस्कारा आप इस तरीके से लगाएं। इसको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद सेकेंड कोट भी लगाएं। लैशेस अगर आप चाहते हैं लगाना तो लगा लीजिए, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस में लैशेस नहीं लगाती।
और इसी तरीके से आप आइस पे भी लगा सकते हैं। यकीन करें मैंने एक ड्रॉप लिया है, खाली एक ड्रॉप से ही बहुत अच्छा हो गया। देखिए आइस पे भी मैंने लगा लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको शिमर यूज़ करने का तरीका बताऊँगी। शिमर मेरे पास ये आई थिंक सो प्रोफेशनल है, वाइट ब्लेड सिल्की का, सिल्की पाउडर है। आप इसको देखिए, इसको लीजिए और कोई सा भी ब्रश लें। ब्रश लेने के बाद इस तरीके से आप इसको जहाँ आपका दिल कर रहा है ना वहाँ लगा लें। जैसे मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे, नोज पे, चिन पे और फॉरहेड पे भी लगा सकती हैं आप। इसके अलावा आप गर्दन में भी लगा सकती हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद है शिमर ना लगाना, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं लगाती हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक शिमर वाइट गोल्ड ये है। एक और मैं आपको बताती हूँ, जो ये गोल्ड में है, गोल्ड में भी अगर आप लीजिए इसको आप फिंगर की मदद से आइस पे लगाइए। आप लिप पे भी लगा सकते हैं। मेरा मेकअप डन हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना मत भूला करें। और मुझे इनबॉक्स में बताया करें कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है। और आप विजिट माई सैलून, तो आज मैंने बालों को स्ट्रेट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो मैं आपके सामने आ गई हूँ। तो इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको अपनी ही कटिंग बताऊँगी, क्लियर कटिंग आप खुद से घर में कैसे करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं।